वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कह देता हूँ, प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखकर जाना, क्योंकि ऐसे वीडियोज, ऐसे भविष्यवक्ता, ऐसे पास्टर्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप हैरान होने वाले हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 24 वचन नंबर 4 और 5 के अंदर पढ़ते हैं, तो इस कदर यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। उसी के अंदर वचन नंबर 24 हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सके तो चुने हुए को भरमा दे। ये वचन हमें साफ साफ कहते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग जो अपने आप को कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं प्रॉफिट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, ऐसे ऐसे लोग आएंगे और बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ही वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। मैं किसी को दोष नहीं लगा रहा, किसी को दोषी नहीं बता रहा, लेकिन जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप देखकर खुद ही समझ जाएंगे। अगर आप वचन को जानते हैं और अगर आप वचन की सच्चाई को जानते हैं तो आप अच्छे तरीके से जान लेंगे और समझ लेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देख कर जाना, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाना। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे मैं जो बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वे बातें भी आपको हैरान कर देने वाली हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर, आइए वीडियो प्ले करता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे हम वचन से बात करते हैं। Eat quickly. Eat quickly. Today, no time, no time. You eat quickly. Limited time today. आपकी बेटी है जी। आपका पूरा परिवार कनाडा में जाने वाला, कनाडा में बोलो हालेलुया। Should I use it? Oh, deep amount of should I use? Should I capture the picture? Professor, I'm a child. Oh, deep amount of God. Professor.
बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि मेरे हाथों में सामर्थ है। आज जो मेरी बात को रिसीव कर रहे हैं वो करोड़पति हो जाएगा। जब मैंने ये वीडियोज देखी और जब मैं ऐसे पास्टर्स को, ऐसे लोगों को देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो बहुत से बाबा हैं जो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, वो बाबा लोग हैं। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि ऐसे पास्टर्स, ऐसे लोग जो परमेश्वर के नाम को आज खराब कर रहे हैं और ऐसे लोग खड़े हो चुके हैं। मैं किसी भी दोस्त नहीं लगा रहा हूँ, वचन आपके सामने है और वीडियोज मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको देख लेना है क्या सही है क्या गलत है, कि जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को, पूरी मसीहत को खराब करने की पूरी कोशिश की है। और यीशु मसीह ने खुद हमें चताया है और बताया इस बात के विषय में, अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूँ और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और चुने हुए भी भरमा लेंगे। मेरे भाई बहनों, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को सबसे पहले यही कहा था, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि यीशु मसीह को भी इस बात का डर है, अगर लोग वचन नहीं पढ़ेंगे, अगर वो वचन की सच्चाई को नहीं जानते हैं तो वे गिर जाएंगे, वे गुमराह हो जाएंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि हम जीवते परमेश्वर से दूर हों और हम गुमराही के रास्ते में जाएं और जो संसार आज करता है वैसे ही हम करें। अगर हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 वचन नंबर 2, साफ साफ वहाँ पे लिखा है, तुम इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज हम मसीह में तो आ गए हैं, आज हम अपने आप को प्रॉफिट बताते हैं, बहुत से नबी बताते हैं, बहुत सी ऐसे प्रेरित बताते हैं, लेकिन काम हमारे संसारिक ही हैं। क्या संसार में बाबा लोग ऐसे नहीं करते जैसे हम कर रहे हैं? अगर हम भी वैसे ही कर रहे हैं तो हम में और उनमें कोई भी फर्क नहीं है। फिर तो हम वचन के अनुसार परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर जाते हैं और ये बहुत ही भयानक बात है। तो प्लीज़ मेरे भाई बहनों, आप लोग ऐसी वीडियोज को देखकर, ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे भविष्यवक्ताओं को देखकर प्लीज़ सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर कि परमेश्वर के दास, उसके प्रॉफिट ऐसा काम करते थे। आपको पूरी बाइबल में कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि वे एक ही प्रचार करते थे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन आज सुसमाचार को तोड़ दिया गया, मरोड़ दिया गया और अपनी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और लोग गुमराह हो भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे बाइबल को नहीं पढ़ते और सच्चाई को नहीं जानते, इसलिए गुमराही के रास्ते पर चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और संसार की अभिलाषाओं में फंस कर इस तरीके से फंस जाते हैं कि वो कभी निकल ही नहीं पाते। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, आप लोगों को कुछ समझ में आया, आपको कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।